आज मैं बता रही हूँ आपको कि हमारी आस्तीन में जो खिंचाव आता है उसकी वजह क्या होती है। तो अब यहाँ पे देखें, हमारा मुंडा तैयार है। इसके अलावा तो यहाँ पे फ्रंट साइड का है, ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा कटा हुआ होता है। तो इसको अब यहाँ पे हमें जब सेंटर बनाना होगा तो हम सेंटर किस तरह बनाएंगे, साइड की सिलाई से नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ पे हम इस तरह पकड़ेंगे। तो यहाँ जो मुंडे की सिलाई होगी इसको, और इसको यहाँ पे जब हम इस तरह करके पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये आगे की तरफ आएगा तो इसका सेंटर अब हमें यूँ बनाना होगा। तो आस्तीन की सिलाई जो आएगी वो हमारी अब इधर, ये साइड की सिलाई जो है शर्ट की इस पर नहीं आएगी, बल्कि साइड की आस्तीन की सिलाई आएगी वो इसके ऊपर आएगी। तो यहाँ पे हम इसको कट लगा लेते हैं एक छोटा सा निशानी के लिए। तो यहाँ हमें कट लगा लिया है, इस तरह हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब यहाँ पे इस तरह कट लगाने के बाद हमें नापना है आस्तीन को। हम यहाँ से इस तरह इसको रखेंगे और आस्तीन में साइड की सिलाई लगाने से पहले हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ हमें नापना इस तरह है कि आस्तीन हमारी बिल्कुल बराबर भी आ सकती है, लेकिन कम ना आए, थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा हो जाती है तो हम यहाँ पे जब ये वाला जो राउंड वाला हिस्सा होता है यहाँ पे हम इसको नमी के साथ लगाते हैं कमीज़ में, तो ये हमारा बहुत अच्छा आके फिनिशिंग के साथ बैठता है। तो फिर जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो पूरी शर्ट हमारी ऊपर की तरफ जाती भी नहीं है। तो चलें फिर मैं इसको लगाना बताती हूँ आपको। तो यह हमारी शर्ट सीधी है तो पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने जब यहाँ पे साइड का निशान लगाया है तो ये साइड की सिलाई जो हमारी आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि साइड की सिलाई आ रही है, ये वाला हमारा सेंटर नहीं है। अब हमारा सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक का है और आस्तीन जो है हमारी वो सीधी ही रहेगी। तो हम सीधी आस्तीन को शर्ट के अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो जो मोंडे का होल है हमारा, इसके अंदर से हम इसको इस तरह डालेंगे। और ये जो आस्तीन की हमारी साइड की सिलाई है, आस्तीन की जो साइड की सिलाई है, इस सिलाई को ये जो हमने कट का निशान लगाया है इसके ऊपर रखेंगे, इस कट के साथ रखेंगे। और ये देखें, ये जो मैंने कट लगाया था ये कट हमारा इस जगह पे है और आस्तीन की सिलाई जो है वो ये रही। तो अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल, अगर हम यूँ रख के लगा देंगे, अगर हम यूँ सिलाई लगा देंगे तो फिर ये हमारा इसमें भी खिंचाव पैदा होगा। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह बना लेंगे। तो बिल्कुल हम इसको यहाँ पे इस तरह नोकदार बना देंगे। ये हमारी आस्तीन की सिलाई है जो मैंने इस तरह बनाई है ये, और ये वाली सिलाई जो है ये मेरी शर्ट की है। तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से ही टर्न कर देंगे। अगर मैंने इसको यहाँ पे इस तरह रखते हुए सिलाई लगा दी तो भी हमारा इसमें खिंचाव पैदा होगा। तो फिर हम जब नीचे आते तक जब चौक बनाएंगे तो चौकों में फिर हमारा मसला करेगा ये। तो अब यहाँ पर हम इसको पिनअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से पिनअप कर लिया हमने, और इसी तरह इसको भी हमने यहाँ पे पिन से अटैच कर लिया है पहले। अब यहाँ पे सेंटर मिलाएंगे हम, आस्तीन का सेंटर। हमारा आस्तीन का सेंटर ये है, यहाँ पे भी हमने कट लगा लिया था, और ये हमारा शर्ट का सेंटर है। तो यानी जो हम मोंडे की सिलाई लगाते हैं, शर्ट का जो सेंटर है वो जो हम मोंडे की सिलाई लगाते हैं ये वो वाला है एरिया है। अब इसको यहाँ पे इस तरह पिनअप कर लेंगे, और जो हम आस्तीन की कटिंग करते हैं उसके अंदर जो हमारा सीधा एरिया, सीधा हिस्सा जो आता है उसको हम बिल्कुल इसी तरह से सीधा ही सियेंगे। और जब ये राउंड वाला हिस्सा आता है तो देखें, ये इसमें हमारे पास थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो अब हम इसको सिलाई लगाते वक्त हल्का हल्का नमी देते हुए, चुन्नी आएगी सिर्फ इसको नमी देना होगा हमें। लगाते वक्त उंगलियों की थोड़ी सी ट्रिक होती है जिससे हम इसको नमी देते हैं। तो ये नमी दे के लगाएंगे तो यहाँ पर आस्तीन हमारी बहुत प्यारी आके फिट होगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको जमा दिया है। अब मैं इसको मशीन से लगाती हूँ। अब ये देखें, जो राउंड वाला एरिया है हमारा, उसके अंदर हम यहाँ पे कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से हम ढीला छोड़ेंगे। तो ढीला छोड़ेंगे इस तरह से हम। तो ये देखें, आस्तीन वाला कपड़ा जो है कितना इसमें ढीला आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको इतना ढीला ही रखना है, और इसको हमें फिर यहाँ पे इस तरह जमाना होगा, इस तरह बिल्कुल अपनी नाखूनों की और उंगलियों की मदद से हमें इसको इस तरह जमाना है। तो ये अच्छी तरह से आप इसको देख लें। तो ये देखें, हमारी चुन भी नहीं आई और कपड़ा लग गया, सिलाई भी लग गई है और कपड़ा भी इसमें जम गया है। अब यहाँ से जो हमारा ये हिस्सा आ रहा है ये हमारा हिस्सा सीधा ही आएगा, तो इसको हम सीधा ही सी लेंगे। ये बिल्कुल इसमें झोल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा ही सीना है हमें। तो अब हम यहाँ से इसकी पीने निकालते जाएंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे।
अभी मैंने इसमें एक तरफ सिलाई लगाई थी, अब इसकी दूसरी साइड पे आस्तीन में सिलाई लग रही है, यानी फ्रंट और बैक दो साइड होते हैं इसके। तो यहाँ इस तरह सेंटर सी लेने के बाद तकरीबन 4 इंच तक का हम सेंटर सी लेते हैं सीधा। उसके बाद जो एरिया आता है वो हमारा गुलाई वाला एरिया आना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर हम इस तरह नमी देके सीएंगे। सिलाई यहाँ पे बिल्कुल बराबर इसके मिला देंगे जो हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी, और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें हमारा गुलाई वाला एरिया कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ आया है। तो यहाँ देखें आस्तीन हमारी लगाने के बाद, हमेशा याद रखिएगा, अगर आस्तीन लगाने के बाद हमारी इस तरह से आती है तो ये हमारी लगने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगी और फिटिंग में भी पहनने में अच्छी लगेगी। अगर हमारी आस्तीन लगने के बाद इस तरह ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है या इस तरह आ रही होती है तो फिर वो आस्तीन खिंचाव पैदा करती है। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, यहाँ से अगर आप इस तरह रखते हुए लगाएंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और पहनने में भी आपकी शर्ट बहुत अच्छी आएगी।